आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध के उद्बोधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वर्चुअली सहभागिता की और प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकों को भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्रीय बनाने के सपने को साकार करने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान, गरीब, महिला और युवाओं का सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता है। सभी के पास काम हो, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए और हमारे प्रधानमंत्री जी का हर सपना साकार हो, इसके लिए हम संकल्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित भोपाल की संभागीय समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति तथा विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में जोन और थानों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तियुक्तकरण का कार्य जनप्रतिनिधियों की सहमति से करवाने एवं देर रात जुलूस का संचालन नहीं किए जाने से संबंधित निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर से विधानसभा स्थित उनके कक्ष में सौजन्य भेंट की। इस दौरान नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर पहुंचकर सौजन्य भेंट की और प्रदेश की प्रगति एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिंदकोटी स्थित निवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।